दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि हार्ट फेल्योर क्या होता है, हार्ट फेल्योर का इलाज कैसे होता है, या हार्ट फेल्योर हम किसमें कर सकते हैं कि अब इस पेशेंट को हार्ट फेल्योर हुआ है। ऐसा बहुत सा कंफ्यूजन लोगों के अंदर हो चुका है कि अगर उन्हें कोई भी दिल की छोटी मोटी बीमारी भी होती है तो उन्हें लगता है कि उन्हें हार्ट फेल्योर हो गया। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिटेल देखने जा रहे हैं कि हार्ट फेल्योर किसको हार्ट फेल्योर कहते हैं और इसमें कौन सा साइन सिम्टम मिलता है, इसके अंदर कौन सी जांच कराई जा सकती है और इसमें कौन सा हम लोग मेडिसिन या इलाज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप नए हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चैनल को अभी का अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको केवल और केवल हेल्थ से रिलेटेड जानकारी मिलती रहेगी। लास्ट में इस वीडियो को शेयर करना और एक लाइक देना ना भूलें। बात करते हैं कि हार्ट फेल्योर में सबसे पहले आपको ऐसा क्या आपके शरीर में टाइम सिम्टम मिलेगा कि आपको लगेगा कि आपको हार्ट फेल्योर हो चुका है। सबसे पहले ये होता है कि ये जो बीमारी है ये लगभग 40, 45, 50, 60, 65 इस उम्र के लोगों को ज्यादा देखने को मिलती है। इसमें प्रमुखता से तीन चीज मिलेगा जिसको कि हम लोग आर्थोपिनिया कहते हैं, और उसमें डिस्पिनिया होता है और एक पीएनडी होता है, यानी पर ऑक्सीमल नॉक्टर्नल डिस्पिनिया होता है। हम लोग पहले डिस्पिनिया बात करते हैं। तो डिस्पिनिया में क्या होता है फ्रेंड, कि आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाएगा, यानी आपकी जो सांसों की गति है बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगी, आपका सांस फूलना शुरू हो जाएगा। आप ये भी कंफ्यूज हो सकते हैं कि कहीं आपको अस्थमा तो नहीं हो गया है, तो अस्थमा को हम लोग को रूल आउट करना होता है। उसके बाद हम लोग को आर्थोपिनिया होगा, यानी अगर आप बेड पे सीधे तौर पर लेटे हुए भी हैं तो भी आपको लगेगा कि आपके चेस्ट में बहुत ज्यादा भारीपन महसूस होगा और आपको सांस का बीमारी होना शुरू, यानी आपकी सांसें जो है फूलना शुरू हो जाएगी। और लास्ट में जो है पीएनडी, यानी पर ऑक्सीमल नॉक्टर्नल डिस्पिनिया होता है। इसमें रात को पेशेंट एकाएक उठता है और कहता है, एकाएक सबसे कहता है अपने घर वालों से कि मेरा सांस बहुत ज्यादा फूलना शुरू हो गया है, उसको बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगता है सांस लेने में, और जैसे वो उठ करके बैठ जाता है तब जाकर के उसको थोड़ा रिलैक्स मिलता है। इसके साथ में कभी कभी आपके पूरे बॉडी के अंदर सूजन, यानी एनासार्का इसको मेडिकल टर्म में कहते हैं, तो उसमें इडिमा देखने को मिलता है। आपको लगेगा कि हर जगह पूरे बॉडी में पानी पानी भर गया है। कभी कभी आपके जो हाथ हैं या आपके होंठ हैं ये सब नीला पड़ना भी शुरू हो जाता है। ये एक्सट्रीम केस में होता है। अगर हम स्टेथोस्कोप से इसको लगा करके सुनेंगे तो आपको क्रैकल साउंड भी सुनाई देगा आपके लंग्स के अंदर, यानी आपके जो फेफड़े हैं उसमें भी आपको कुछ ध्वनियां सुनाई देंगी। और इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको अस्थमा है। अस्थमा एक अलग है, उसका मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आप जानें कि ये अस्थमा या सीएचएफ है। हार्ट फेल्योर को हम लोग कॉमन टर्म में सीएचएफ भी कहते हैं, यानी कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर होता है। ये अलग अलग प्रकार का भी हो सकता है, आपके केवल राइट साइड में भी हो सकता है या हार्ट के लेफ्ट साइड में भी हो सकता है। ये सिस्टोलिक हार्ट फेल्योर भी हो सकता है या डायस्टोलिक हार्ट फेल्योर भी हो सकता है। दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं कि हार्ट फेल्योर का मतलब क्या होता है। हार्ट फेल्योर का सिंपल मतलब यही है कि जो हमारे बॉडी की एक फिजियोलॉजिकल नीड है, एक फंक्शन करने के लिए जो भी हमारे बॉडी में पूरा ब्लड फ्लूड वगैरह की आवश्यकता होती है, हमारा जो हार्ट होता है उसको सप्लाई नहीं पाता है। वो दोनों में एक डिमांड में और एक सप्लाई में अंतर आना शुरू हो जाता है, उसी को ही हम लोग मेडिकल टर्म में हार्ट फेल्योर बोल देते हैं। दोस्त, अब हम जानने जा रहे हैं कि इस हार्ट फेल्योर में हम कौन सा जांच कराएंगे। इसमें फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग एक सीटी स्कैन या एमआरआई या फिर चेस्ट एक्सरे कराते हैं। इसमें हम लोग हार्ट का साइज देखते हैं कि हार्ट का जो साइज है वो कितना ज्यादा फैला है, यानी इसको कार्डियोमेगाली हो गया है या नहीं हो गया। कार्डियोमेगाली मतलब यही होता है कि जो आपका नॉर्मल हार्ट है वो उसका साइज जो है वो बढ़ जाता है। इसके अंदर हम लोग रिनल फंक्शन टेस्ट भी करा के देखते हैं कि कहीं ऐसा नहीं है कि किडनी के अंदर कोई दिक्कत हो गया है। हम इसके अंदर अलग अलग एंजाइम्स के भी है उसका जांच कराते हैं। एक बीएनपी आता है, बीएनपी का भी हम लोग जांच कराते हैं। बीएनपी मतलब होता है ब्रेन नेटवर्टिक पेप्टाइड होता है, ये भी बढ़ा हुआ आपके जब टेस्ट का रिपोर्ट आएगा उसमें ये बढ़ा हुआ मिलेगा। हम लोग अपने स्टेथोस्कोप से भी इसका एग्जामिनेशन वगैरह करते हैं और पेशेंट का हिस्ट्री वगैरह लेते हैं। इसके अंदर फ्रेंड हम लोग और भी जांच कराते हैं, जैसे कि उसमें हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है, यानी सोडियम पोटेशियम लेवल कितना है, इसका भी जांच कराते हैं। अब हम बात करते हैं कि दोस्त, इसमें कौन से ऐसे लोग होते हैं जिसके अंदर हार्ट फेल्योर होने का खतरा बढ़ा हुआ रहता है। सबसे पहले फैमिलियल हिस्ट्री,
यानी आपके घर में किसको हार्ट फेल्योर हुआ है, CHF की प्रॉब्लम रही है, आपके दादाजी को हुआ था या आपके माताजी को हुआ था या किसी रिलेटिव को हुआ था, उसके साथ में आप सिगरेट वगैरह पीते हैं कि नहीं है, आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल कितना है, क्या आप पहले से ही कोई मेडिसिन का सेवन कर रहे हैं, ये सब हम लोग इसकी हिस्ट्री में चेक करते हैं। अब फ्रेंड हम बात करने जा रहे हैं कि इसके अंदर कौन सा हम लोग मैनेजमेंट करते हैं। तो सबसे पहले जो सॉल्ट का अमाउंट होता है और वाटर का अमाउंट होता है उसको हम लोग कम कर देते हैं। दिन भर में जो सॉल्ट है लगभग 1.5 से 2 ग्राम है, उतना हम एडवाइस करते हैं कि पेशेंट को उतना ही नमक खाना है, क्योंकि ज्यादा नमक खाने से उसके बॉडी में फ्लूइड भी ज्यादा से ज्यादा रिटेंशन होना शुरू हो जाएगा। पानी भी हम लोग है मैक्सिमम 1.5 से 2 लीटर एडवाइस करते हैं कि दिन भर में पीना चाहिए। और इसमें हम लोग अब मेडिसिन की बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो हम लोग मेडिसिन वगैरह देते हैं वो लेसिक्स होता है, यानी उसमें फिरोसमाइड होता है। फिरोसमाइड क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर जो एक्सेसिव फ्लूड है उसको बॉडी से बाहर निकालता है। इसको सिंपल टर्म में डायरेटिक्स कहते हैं, यानी शरीर से पानी निकालने वाली दवा होता है। उसके साथ में फ्रेंड हम लोग एसी इनहिबिटर्स है, जैसे रेमिप्रिल है, लिसनोप्रिल है, ये सब मेडिसिन आती है उसका इस्तेमाल करते हैं। ARB है, एंटोगेनिस्ट है, यानी एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स होते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे वालसार्टन है, टर्मसार्टन है, ये सब का इस्तेमाल करते हैं। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, जैसे हम लोग है इसके अंदर डिगोक्सिन वगैरह है, डिगोक्सिन 0.375 या उसका जो डोजिंग है वो कम डोज से शुरू करते हैं, क्योंकि डिगोक्सिन का बहुत सा एडवर्स इफेक्ट भी बॉडी को देखने को मिलता है। अगर ये सब है, ये सब मेडिसिन का क्राइटेरिया हम लोग डिसाइड करते हैं कि आपको कौन से क्लास का CHF है। फ्रेंड इसमें भी क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड, क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ, क्लास फाइव, ऐसे प्रकार की कैटेगरी बनाई गई है, उसके अनुसार ही हम लोग पेशेंट को ये एडवाइस करते हैं कि आप कितना घर पे काम कर सकते हैं और आपको कौन सा मेडिसिन अभी शुरुआत में लेना होता है। जैसे लास्ट क्लास की हम लोग बात करें तो उसके अंदर हम लोग डिगोक्सिन वगैरह है, एनोटॉप वगैरह है, ये सब का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर जो क्लास फर्स्ट का है तो उसके अंदर हम सिंपल सा जो एसी इनहिबिटर्स है, लिसनोप्रिल है, रेमिप्रिल है, ये सब हम लोग इस्तेमाल करते हैं। क्लास सेकंड है तो उसमें हम लोग दो दवा का कॉम्बिनेशन वगैरह इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। क्लास फोर्थ है, थर्ड है, इस सब में तब जाकर के हम लोग देखते हैं कि पेशेंट को डिगोक्सिन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, डिगोक्सिन के साथ कौन सी सपोर्टिव दवा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अगर इन दवा से भी हम लोग देख रहे हैं कि पेशेंट को आराम नहीं हो रहा है तो जाकर के हम लोग उसको आखिरी में एडवाइस करते हैं कि अब आपको पेसिंग करा लेना चाहिए। पेसिंग में क्या होता है फ्रेंड कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग हार्ट के अंदर क्या है उसको सर्जरी के माध्यम से एक सा डिवाइस होता है उसको इंस्टॉल करते हैं और वहीं जाकर के वो पूरा हार्ट का फंक्शन, आधा फंक्शन वो डिवाइस करना शुरू कर देता है। लेकिन ये जो पेसिंग वाला हम लोग काम है उसको बहुत ज्यादा जब आखिरी में जब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है तब जाकर के हम लोग पेशेंट एडवाइस करना शुरू करते हैं पेशेंट को। उससे पहले हम लोग यही प्रयास करते हैं कि पेशेंट जो है नमक कम खाए और पानी कम पिए, एक अच्छा डाइट मेंटेन करे और दवा के माध्यम से ही इसको कंट्रोल करने का प्रयास करे। उसको लगभग रेगुलर ही दवा खाना होता है, साथ में उसको और भी बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे ये है कि उसको जब भी सोना है रात में तो अपना जो हेड होता है उसको थोड़ा सा टिल्ट करना होता है, यानी ऊपर करके सोना होता है। उसको अगर पेशेंट को ज्यादा तकलीफ प्राप्त में होने लगता है तो उसको हम लोग फॉलर्स पोजीशन में भी लेटने को कहते हैं। फॉलर्स पोजीशन क्या होता है कि आप सीधे तो ऐसे लेटे हुए आपका पैर जस्ट ऐसे है, लेकिन जो आपका हेड है और चेस्ट है एब्डोमेन जस्ट ऐसे हो जाता है। यानी आप देखेंगे जैसे बीच वगैरह पे लोग ऐसे करके ऐसे बैठे रहते हैं, आराम से बैठे रहते हैं, तो उसको फॉलर्स पोजीशन करते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझको नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप भी अगर ऐसे कोई प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो भी नीचे मुझको कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं नए वीडियो के साथ फिर से हाजिर होता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।